और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी देखिए मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ कैंसस सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ डैलस, डैलस से लंदन एंड लंदन से दिल्ली। सो फाइनली मैं इंडिया आ रहा हूँ। मैंने 4 दिन पहले टिकट बुक की है। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लिटरली मुझसे 4 दिन पहले या 5 दिन पहले पूछा है लास्ट वीक कि मैं कब इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ या कब प्लान करूँगा, तो मैंने यही बोला कि मुझे नहीं पता अभी कब आऊँगा, बट बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत जल्दी मैंने टिकट जो है वो बुक की। $1,050 की मुझे टिकट मिली है जो मैंने बुक कर ली है। एंड आई एम फाइनली ट्रैवलिंग टू दिल्ली। दिल्ली से मैं जाऊँगा कोटा और पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा कि मैं घर तक कैसे पहुँचता हूँ। सो चलते हैं यहाँ से आगे, मास्क पास लगा के अंदर, एंड देन चेक इन करूँगा। बोर्डिंग पास मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अपने जो लगेज है वो दे चुका हूँ। नाउ आई विल गो टू सिक्योरिटी। तो ये है सिक्योरिटी चेक इन, पूरी लाइनिंग। और एयरपोर्ट काफ़ी खाली है आज, जनरली भरे रहते हैं बट ऑफकोर्स कोविड के कारण। सो सही, मैं जाता हूँ सिक्योरिटी की लाइन में, खड़े हो जाता हूँ इधर। द बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउड है। सो आई जस्ट आस्क देम। तो ये पूरा US का सिक्योरिटी सिस्टम है। एंड मेरे बैग में शायद पूरियाँ हैं। श्योर। सो या दीज आर लाइक द व्हीट रोल्स। That's like a wheat thing. Okay. You're good, so just open it up. पूड़ियों ने धरवा लिया है, पूड़ियाँ खुलवा रहे हैं। तो पूड़ियों की चेकिंग हो रही है क्योंकि आई थिंक कुछ लगा हुआ उनको आया। थैंक यू। सो आई थिंक ये हो गया, अभी सामान निकालते हैं। सो निकल गया हूँ यहाँ से सिक्योरिटी से। मेरी फ़्लाइट डैलस की है, तो आई थिंक 81 दिस इज़ द वन। सीट ले लेते हैं एक। चेक इन डन, सिक्योरिटी क्लियरेंस डन, एंड अभी जो है डैलस के लिए यहाँ से निकलूँगा। आई थिंक टाइम अभी 10:49। सो 10:49 है, 11:45 का मेरा फ़्लाइट है, एक घंटा है। एक घंटे के बाद डैलस, डैलस में 1.5 घंटे का ले ओवर, एंड देन लंदन, लंदन से इंडिया दिल्ली। सो दिल्ली पहुँचूँगा मंडे मॉर्निंग 6:30 बजे, और बाकी के अपडेट्स आपको देता हूँ रास्ते में। अभी बैठते हैं, वेट करते हैं 1 घंटा। आप एयरपोर्ट देख सकते हैं आसपास, लोग, छोटा एयरपोर्ट है केसी का, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। सो इसलिए भीड़ भी नहीं है और सही है। मेरे ग्रुप का कॉल आ गया, मेरा ग्रुप नंबर 8 है। सो लेट्स गो, गेट 81 से डैलस के लिए चेक इन कर लेते हैं। ये विंडो है डैलस एयरपोर्ट 81। मेरा बोर्डिंग पास। हाय, हेलो, थैंक यू वेरी मच। सो जर्नी बिगिंस, पहली फ्लाइट। और आई थिंक पूरी जर्नी जो है मेरी ओवरऑल सिर्फ फ्लाइट्स की देखूं तो 37 आवर्स की है। एंड ओवरऑल घर तक पहुंचने का टाइम भी इंक्लूड करूं तो लगभग 50 घंटे के अराउंड लगेगा। सो या 50 से 55 घंटे, लगभग ऑलमोस्ट 2.5 दिन की जर्नी रहेगी। तो छोटा सा प्लेन है, यहाँ पे US में प्लेन वगैरह बहुत कॉमन है, तो आप देखेंगे प्लेन एकदम बस के जैसा है, बहुत छोटा, एकदम अपने इंडिया में बस होता है ना वैसा प्लेन, छोटा सा। 16A मेरी सीट है। इसको भी ऊपर चढ़ा देता हूँ। और ये देखिए फ्लाइट छोटी सी, जैसा मैंने आपको बताया ओवरऑल कैंसस सिटी से डैलस की फ़्लाइट है। डैलस उतर के आपको डैलस एयरपोर्ट दिखाता हूँ। फ्लाइट जो है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप देखें तो जैसे रनवे पे ही है। ये पूरा कैंसस सिटी एयरपोर्ट नीचे, और निकल चुके हम लोग फाइनली। क्लाउड्स को क्रॉस करके अभी देखिए बाहर बढ़िया सनलाइट, आसमान के ऊपर सारे बादल, नीचे ब्राइट सन, सनी डे, बहुत ही सही नज़ारा। देखिए बादल पे
ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। डालस एयरपोर्ट पहुंच गया हूं मैं। एंड एक बात तो तय है कि फ्लाइट से उतरने की जो जल्दी होती है वो हम इंडियंस हों कि अमेरिका हो सभी लोग जल्दी तो करते ही हैं। देखिए पूरी लाइन, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, सब लोग जल्दी जल्दी है उतरने के लिए रेडी हैं। तो मैं भी नहीं करता हूँ। फिर भी बेटर है, खाली है आगे पूरा एंड पीछे भी इतने डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हैव अ गुड वन। सो अभी आगे चलते हैं लंदन की फ्लाइट की ओर। डालस एयरपोर्ट पे निकल रहा हूँ मैं एंड रिलेटिवली जो केसी एयरपोर्ट है उससे काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। प्लस अगर आप देखें आसपास तो बिजी ज़्यादा है। सुबह आपने कैंसर सिटी एयरपोर्ट देखा, उसमें इतनी भीड़ नहीं थी, पर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। और ए बी सी डी ई जो ये कनेक्शंस के लिए बना हुआ है, तो मुझे स्काईलिंक लेना पड़ेगा। आई थिंक इनका ट्रेन है वो जो टर्मिनल लोकल जो होता है उससे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए। ये चीज़ मैं इंडिया में बड़ी मिस करता हूँ कि अगर हम मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं या दिल्ली एयरपोर्ट पर तो लोकल से इंटरनेशनल जाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है एंड देन कैब करके पूरा एक ट्रैवल करना पड़ता है एक टर्मिनल से दूसरा। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे इन लोगों ने इंटरनल ट्रेन सिस्टम बना रखा है, देखिए स्काईलिंक जिसको बोलते हैं। तो सिमिलर सिस्टम लंदन हीथरो में भी है कि आप ट्रेन पकड़ें और इंटरनली आपको इंटरनेशनल या लोकल जो भी टर्मिनल कनेक्ट करना है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो काफ़ी सही चीज़ है। एंड अभी आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन कैसा सिस्टम है। सो D23 टू D40, मेरा D27 है। तो निकल गए अपन लोग इससे। दोनों साइड ट्रेन चलती हैं प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया। आपको किसी भी टर्मिनल से किसी भी टर्मिनल पर जाना है, देखिए हार्डली मुझे 5 मिनट से भी कम का टाइम लगा, जो कि अगर मैं दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक तरफ से बाहर जाना है, कैब पकड़ना है, दूसरी जगह जाके पूरा सिक्योरिटी चेक इन रीचेक करना पड़ता है। सो काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो, वहाँ पे कि सारा लगेज लेके जाना पड़ेगा और टर्मिनल से टर्मिनल क्रॉस करना पड़ेगा। कभी कभी लगेज आपका पहुँच जाता है तो भी उस केस में आपको बाहर निकल के कैब करके सब करना है, जबकि देखिए 2 से 3 मिनट लगा मुझे ए से डी आने में। और ये पूरा फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो तो बहुत ही सही। अभी जाता हूँ D27 पे पहुँचता हूँ और आफ्टरनून का टाइम है, 1:43 हो रहा है और 3:20 में मेरी फ़्लाइट है, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है मेरे पास। तो पूरी जो मेरे को वहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझे पकड़ लिया था उन लोगों ने चेक करने के लिए, स्पेशल जो पूड़ी मेरी है उसको, तो उसको मैं खाता हूँ, लंच करता हूँ अपना एंड देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे आसपास देख लीजिए सभी लोग, कोई चीज़ नहीं यार, अमेजिंग है, बहुत ही सही शॉपिंग है। यहाँ से निकलूँगा एंड देन आई कैच द फ्लाइट। सो चल रहे हैं धीरे धीरे, वही थोड़ी डिस्टेंसिंग तो मेंटेन है, दैट्स गुड। जिन लोगों के पास QR कोड वाला फॉर्म नहीं है UK का, उनको लाइन से बाहर कर दिया एंड प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उन लोगों को। तो अगर आप ट्रैवल करें लंदन से तो डेफिनेटली वो फॉर्म भरें, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अटैच करने वाला हूँ, तो वो डेफिनेटली देखें। ट्रेन तक आ चुका है 29A। ये बिजनेस क्लास है, निकलते हैं अपने इकोनॉमी क्लास में। सो आई थिंक 250 माइल की डिस्टेंस और बाकी है, अराउंड 35 मिनट्स एंड देन मैं लंदन पहुंच जाऊंगा। काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे हैं, टेम्परेचर -67 फ़ारेनहाइट है, भयंकर ठंडी बाहर और कुछ खाने को दिया है लोगों ने। छोटी सैनिटाइजिंग वाइप।
ले रहे हैं लोग साथ में, तो कुछ खाते हैं एंड देन करेंगे। लंदन पहुंच गया, 10 घंटे का ले हो रहा है, तो 10 घंटे के लिए प्रिपेयर्ड। चलिए छोटे 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 बच्चे, हाय सॉरी बाय बाय। बच्चे बड़े अच्छे रोए नहीं, बाय बाय थैंक यू। जैसे कि दरअसल तो मैंने बोला था कि लंदन में भी ट्रेन है, तो उस ट्रेन के आगे खड़ा हूँ अभी, जस्ट आने वाली है हीथ्रो एयरपोर्ट इंटरनेशनल पे, एंड यहाँ से मुझे लेके जाएगी ए टर्मिनल पे, जहाँ पे मुझे फ्लाइट चेंज करने का जो टर्मिनल सारे वो मिलेंगे, वहाँ पे 10 घंटे का वेट है एंड देन आज ये ट्रेन आ गई है, चलते हैं। हमें देख लिया दस घंटे का मेरा ले ओवर था लंदन में, जो मैंने अभी ऑलमोस्ट 9 घंटे का पूरा किया। ये जो स्लीपिंग चेयर है यहीं पे कुछ कुछ लगी हुई थी, जहाँ जिनके कारण मेरा पूरा 10 घंटे निकल गए, वरना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी नींद ले ली मैंने, जस्ट उठाई हूँ, अभी जाऊँगा बोर्डिंग गेट की तरफ, क्योंकि 1 घंटा पहले गेट अनाउंस होने वाला, तो यहाँ से लंदन से अब निकलूँगा एंड देन दिल्ली के लिए फ्लाइट कैच करूँगा। तो C64 मेरा जो गेट है वो है, और मैं ए टर्मिनल पे हूँ, तो टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा हमने डायलस में देखा था कि जो मेट्रो चलती है, स्काईलिंक नाम की जो ट्रेन होती है वो चलती है, उसका यहाँ से जो लंदन एयरपोर्ट है उससे मेजर डिफरेंस ये है कि लंदन एयरपोर्ट पे अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है, तो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है मेट्रो शायद आई थिंक दिल्ली में अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर भी पूरे हीथ्रो एयरपोर्ट के नीचे जो है इन्होंने सिस्टम बना रखा है अंडरग्राउंड मेट्रो वाला। और डायलस एयरपोर्ट पे स्काईलिंक नाम की जो ट्रेन है वो चलती है, जो कनेक्शन के लिए, जो कि ऊपर चलती है ग्राउंड से, तो ये दोनों में फिर डिफरेंस है थोड़ा सा। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा 364 गेट तक अपनी फ्लाइट को कैच करने के लिए। सो बोर्डिंग शुरू होने वाली है, 364 पे पहुंच गया हूँ। 3 मिनट लगे मुझे ACC आने में, टोटल 3 से 4 मिनट, और ये फेस शील्ड मुझे दिए इन लोगों ने, अच्छा लगा मुझे देख के, कम से कम इंडिया की फ्लाइट है, मैंडेटरी फेस शील्ड है, तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सभी को लगाना है। अभी 1 से 44 सीट नंबर्स जो हैं उन लोगों को बोर्डिंग के लिए बुलाया, मेरा 42 है, तो मैं निकल ही रहा हूँ बस, तो चलते हैं बोर्डिंग करने। तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट है, वो मेरा प्लेन, ऐसा बोर्ड करूँगा तो मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो हो रही है, अगर आप देखें तो काफ़ी खाली एयरपोर्ट है, सभी लोग डिस्टेंस इजीली मेंटेन कर रहे हैं। और जो एग्जिबिशन फॉर्म मैंने फिल किया था उसका प्रूफ यहाँ पे मांग रहे हैं, और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट, थोड़ा टाइम लगेगा बट यस अभी मैं लाइन में हूँ, और डिस्टेंसिंग काफ़ी मुझे सही लग रहा है, तो आफ्टर दैट निकलता हूँ यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर। दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के मैं पहुँचा निज़ामुद्दीन स्टेशन, वहाँ से 11 बजे मेरा पुणे दुरंतो एक ट्रेन है जिसमें रिजर्वेशन था सेकेंड AC में, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ गरोट, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स नहीं जाती दिल्ली से, सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेन्स थी जो रात में चलती हैं, या टाइमिंग मेरा मैच नहीं था, इसलिए मैंने पास का स्टेशन पिक किया कोटा। तो यहाँ से मैं पहुँचूँगा कोटा, वहाँ से 150 किलोमीटर की जर्नी हम बाय कार ट्रैवल करूँगा, पापा मुझे लेने आ जाएंगे, तो वो जर्नी और ये सब मिला के लगभग 12-15 घंटे का ओवरऑल मेरा रहेगा, कि मैं 6:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट उतरा और रात को लगभग 9-10 बजे तक घर पहुँचूँगा। तो कोटा स्टेशन पे बहुत भीड़ थी इसलिए वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं कोटा उतर गया हूँ, पापा लेने आ गए थे मुझे, एंड अभी ये कोटा सिटी में ही चल रहे हैं, बस बाहर निकल रहा हूँ। गरोट का रास्ता यहाँ से 3 घंटे का और बाकी है, 3 घंटे के बाद फाइनली घर पहुँचूंगा, ओवरऑल लगभग 50 घंटे की जर्नी कम्प्लीट करने के बाद। तो बस अभी निकल रहे हैं घर की ओर, तो 50 घंटे की जर्नी पूरी करके अभी जस्ट घर में घुसा हूँ, ये देखिए सामान मेरा और पूरा, और अब जाके बस भयंकर जेटलैग वाली फीलिंग आ रही है, कि दिन भर नहीं सोया हूँ, अब जाके सोऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।